Good morning, students. Today I will cover the remaining part of this chapter, the chapter number 2nd of your book science. Its name is Health and Hygiene. So today I will start from the topic diseases. तो क्या दिया है इसके अंदर? When we are sick, we don't feel good and are unable to work properly. A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly. तो क्या है, जब हम बीमार होते हैं हमें ना तो अच्छा फील होता है ना हमारी बॉडी क्या है अच्छे से काम कर पाती है. तो डिजीज़ वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी, जब बॉडी के पार्ट अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते. डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू मैनी रीजन्स. जनरली डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कॉम्युनिकेबल एंड कॉम्युनिकेबल. तो डिजीज़ क्या है, बहुत कारणों के कारण हो सकती है. उनमें से कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उस बेस पे जो डिजीज़ है उसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल, सेकंड है कम्युनिकेबल. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो क्या दिया है, डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़. तो क्या दिया है, जो बीमारियाँ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़. Some non-communicable diseases are caused due to deficiency of the nutrients like carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals in our diet. तो कुछ बीमारियाँ किससे फैलती है, जब हम अपनी डाइट के अंदर ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं करते, उनकी कमी के कारण क्या है हम बीमार पड़ते हैं. These are called deficiency diseases. इनसे जो बीमारियां होती हैं, प्रॉपर अच्छी डाइट ना लेना, फैट कम लेना, प्रोटीन कम लेना, जब बिल्कुल ही ना लेना, उन बीमारियों को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो. तो इधर क्या है, कुछ प्रोटीन्स वाइटामिन्स दिए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स दिए हैं, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, ये हम नेक्स्ट जो नीचे गिवन टेबल है इसके अंदर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी, और क्या है डिजीज़, डिसऑर्डर, कौन सी बीमारी होती है. फर्स्ट बीमारी का नेम क्या है, मरेस्मस. इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट की कमी, फैट्स की कमी के कारण ये रोग होता है, ठीक है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या फील होना शुरू होता है, द चाइल्ड बिकम्स सो थिन, बच्चा बहुत पतला होता है, दैट लूज फोल्ड्स ऑफ द स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. तो क्या है, वो अपनी जो स्किन है, ये देखो इधर दी गई है, स्किन लूज हो जाती है, द रिब्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल. तो क्या है, इतनी स्किन वो लूज़ हो जाती है कि जो बच्चे के अंदर के रिब्स हैं वो भी दिखने शुरू हो जाते हैं. तो कैसे इसकी कमी पूरी हो सकती है, राइस खाने चाहिए, वीट, पोटैटोज, मेज, मक्का और हनी, घी और मिल्क, इन चीज़ों को खाना चाहिए इस रोग से बचने के लिए. सेकंड जो क्या दिया है, क्वेशियोर्को प्रोटीन्स. अब देखो ये रोग का नेम है क्वेशियोर्को, और ये किससे होता है, प्रोटीन की कमी से होता है. इस रोग के अंदर हमें क्या क्या होना शुरू होता है, द एब्डोमन ऑफ चाइल्ड गेट्स स्वॉलन एंड बल्जिज आउट, द लेग्स बिकम थिन. इस रोग के अंदर क्या होता है, जो बच्चे की लेग्स होती हैं वो बिल्कुल पतली होनी शुरू हो जाती है, जो बच्चे का टमी है, स्टमक है, वो क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसके ऊपर, और वो क्या है, बाहर की ओर उभर जाता है, बल्जिज आउट, ये देखो बच्चे का पेट निकला हुआ है. तो इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, एग्स, फिश, मीट, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है उनको सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क. तो क्या है, दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, हमें दालें जरूर खानी चाहिए. उसके बाद थर्ड जो बीमारी दी गई है, एनीमिया. एनीमिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो ब्लड सेल की क्या है, कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल की, खून की कमी के कारण ये रोग होता है. किसके कारण होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तो इससे हमें क्या फील होता है, एक्सट्रीम फैटिक वीकनेस, पेल स्किन. पेल स्किन का मतलब होता है रंग पीला पड़ जाता है, थकान फील करते हैं, बहुत वीकनेस रहती है. तो ये इस रोग के सिम्टम्स होते हैं. अब खून को बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल का नंबर को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, एग्स, पल्सेस, डेट्स, खंजूर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, पालक खानी चाहिए, पालक के अंदर काफ़ी आयरन होता है.
नेक्स्ट जो बीमारी का नेम है वो क्या है, गोइटर। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन तभी तो कहते हैं कि सॉल्ट वो यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर आयोडीन होता है। तो इससे क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन। तो क्या है, हमारे जो नेक के अंदर क्या होता है, थायराइड का ग्लैंड होता है। तो इससे क्या है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो हमारी क्या है, नेक नीचे से क्या है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये रोग कैसे सही हो सकता है, हमें क्या है, जो नॉन वेजिटेरियन फिश खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं, जो वेजिटेरियन है आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए जिस सॉल्ट के अंदर आयोडीन होती है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर किसी के हड्डियों की सही ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही, दांत सही नहीं आ रहे, तो ये किसकी कमी से होता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, द बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। तो क्या होता है, इन जो कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से क्या होते हैं, हमारे दांत हो गए, हमारी बोन्स हो गई, बहुत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो हम कैल्शियम की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं, बाय डूइंग इनटेक ऑफ मिल्क, दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, जो जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए उनको इंक्लूड करना चाहिए, पल्सेस दालें खानी चाहिए। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ई। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन कैन नॉट सी इन द डिम लाइट, थोड़ी सी डिम लाइट है उसके अंदर उस पर्सन को नहीं दिखता। तो हमें विटामिन ई किससे मिलता है, कैरेट, गाजर के अंदर, स्पिनच, पालक के अंदर, मिल्क, पपाया, पपीता, एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो डिजीज़ का नेम है वो है बेरी बेरी। ये रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इससे क्या होता है, जो स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, एक्सट्रीम वीकनेस, अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड द मसल्स। तो इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन है, त्वचा है, वो बहुत रूखी रूखी सी हो जाती है, काफ़ी थकान फील होती है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे जो मसल्स को इफेक्ट करती है। इस बीमारी को टैकल करने के लिए क्या है, इसको दूर करने के लिए हमें दूध पीना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, वही सीरियल्स को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, जो हमारे मसूड़े हैं वहाँ से क्या है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसको विटामिन सी किसके अंदर होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, आंवला हो गया, हमारे लेमन हो गया, जो ऑरेंजेस हो गए, उसके बाद टोमेटो हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्या दिया है, रिकेट्स। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। आजकल तो वैसे ही हर थर्ड पर्सन के अंदर क्या है, विटामिन डी की कमी है। तो इससे क्या होता है, वो लेग्स, बेंट लेग्स, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। तो इससे क्या होता है, जो हमारी लेग्स है वो मुड़ जाती है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी का तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सन। ठीक है, तो धूप में बैठना चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, तो ये इस रोग को दूर करने के लिए क्या, हमें मिल्क, दूध पीना चाहिए, जो नॉन वेज है उनके लिए ये है, और जो मैंने आपको सोर्स बताया कि धूप में बैठना सबसे अच्छा सोर्स है, सन से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, विटामिन डी मिलता है। नीचे लिखा है कि सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द डिजीजेस ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट। वो कहते हैं कि चलो खाना अच्छा नहीं खाया, उससे तो होती है, कुछ हमारी जो गंदी आदतें होती हैं बैड हैबिट्स के कारण, जो बुरी आदतें होती हैं, जैसे स्मोकिंग करना या अल्कोहल मतलब ड्रिंक करना, उससे भी ये बीमारियां होती है। तो क्या लिखा है कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनसे क्या है, जो सबसे ज़्यादा हमारे कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, हमारे लंग्स और हमारा हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, जो क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है। जैसे अभी करंटली क्या है, वी ऑल आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज ड्यू टू द कोरोना वायरस। तो कोरोना क्या है, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो वायरस क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
कॉल्ड जर्म्स। तो ये बीमारियाँ किससे फैलती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उनसे फैलती है, जिनको हम जर्म्स कहते हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब कौन कौन से होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एयर, वाटर और फूड। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम तो उनको देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो हर जगह पर प्रेजेंट है, पानी के अंदर, हवा के अंदर, हमारे खाने के अंदर। ठीक है, दे कैन एंटर आर बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स एंड कॉज डिजीजेज। तो वो क्या है, बहुत तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक, सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। तो नीचे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं उनका नेम दिया गया है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होती है उनके नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, कोलेरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये बोलते हैं टीबी की बीमारी को, टाइफाइड, प्लेग, मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो ये बीमारियां बैक्टीरिया से होती है। सेकंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, वायरस। इससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड, कोल्ड हो जाता है, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स, एड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया, डिसेंट्री। तो ये थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज होती है, ये उनके बारे में था। अब देखो क्या लिखा है, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जर्म्स ट्रेवल फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कॉज ए डिजीज, दिस हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज। तो क्या है, जो जर्म्स हैं क्या करते हैं, एक बीमार पर्सन से हेल्दी, अच्छे जो स्वस्थ पर्सन है उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको भी बीमार कर देते हैं। अब जर्म्स एक बीमार पर्सन से एक अच्छे हेल्दी पर्सन तक कैसे पहुंचता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या दिया है, कैसे पहुंचते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, थ्रू एयर, हवा के द्वारा। अब देखो, व्हेन ए सिक पर्सन कफ, स्नीज, स्पिट्स, जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। ठीक है, कोई बीमार बंदा है, वो खांसी कर रहा है, ठीक है, उसको स्नीजिंग कर रहा है, स्नीज होता है शींक आना, और स्पिट होता है थूकना। जर्म्स क्या होते हैं, जब वो ये तीनों चीज़ें करता है तो क्या होता है, उसके मुंह से जर्म्स बाहर निकलते हैं और हवा के अंदर चले जाते हैं। तो जब एक हेल्दी पर्सन उस सेम हवा के अंदर सांस लेता है तो वो सेम जर्म्स क्या होते हैं, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और मेक हिम और हर सिक, वो उसको भी बीमार कर देते हैं। अब जब इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया, वायरल फीवर, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, स्प्रेड थ्रू एयर। तो ये बीमारियां क्या है, हवा से होती है, जब हवा के अंदर क्या है, जर्म्स फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बीमारी किससे होती है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड कंटेमिनेटेड होता है मिलावटी। ठीक है, फूड एंड वाटर मे गेट कंटेमिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ठीक है, जब हम अपने फूड को अच्छे से स्टोर नहीं करते तो वो फूड क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड, गंदा हो जाता है। लाइक हमने क्या है, फ्रूट को काटा और ओपन में रख दिया, वहीं पे क्या है, वो फ्लाइज, मॉस्किटो उसके ऊपर बैठने लग गए, तो फूड क्या है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। जर्म्स कम थ्रू डस्ट, इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, कॉकरोचेस, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज डिजीजेस। तो ये जो फूड, जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, जब हम उसको खाते हैं, जब उस पानी को पीते हैं, तो हम क्या है, ये बीमारियां पैदा करती है। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, डायरिया, टाइफॉयड, जॉन्डिस, कोलेरा एंड वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, हिज एंड हर क्लोदिंग और अदर थिंग्स यूज्ड बाय हिम एंड हर, ही शी मे गेट इन्फेक्टेड। देखो, जब एक हेल्दी पर्सन है, एक बीमार पर्सन क्या है, के पास जाता है, उसकी चीज़ों को यूज़ करता है, तो क्या है, जर्म्स उस तक भी पहुंच जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो दूसरा पर्सन भी क्या है, इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे अब हमने देखा यह कोरोना के केस में क्या होता है कि वो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को टच करता है, ठीक है, जो किसी के क्लोथ्स को करता है, जब बोलता है, बोलने से एयर में जाते हैं जो जर्म्स है, तो ये क्या है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है वो ऐसे फैलती है। तो कॉन्टैक्ट भी क्या है, किसी को टच नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ें, ये जो बीमारियाँ हैं ये ऐसे फैलती है। तो इन बीमारियों के अंदर जो कॉन्टैक्ट के थ्रू बीमारियाँ होती है वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, मेजल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
तो ये बीमारियाँ डिजीजेस क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। फोर्थ पॉइंट है थ्रो इंसेक्ट्स, वेरियस ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज ए मॉस्किटो फ्लीज कैन स्प्रेड वेरियस डिजीजेस लाइक मलेरिया डेंगे एंड प्लेग। व्हेन ए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स अ सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया इट सक्स द मलेरियल जर्म्स अलोंग विद द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन। तो क्या लिखा है कि बहुत सारे ऐसे जो इंसेक्ट हैं जो क्या है किसी दूसरे जो पर्सन का क्या है ब्लड को सक करते हैं, ब्लड चूसते हैं। ठीक है, मान लो एक बीमार पर्सन है, मॉस्किटो ने उसको बाइट किया, उसको बाइट करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, तो उसने क्या किया, बीमार पर्सन से जर्म्स लेके एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो क्या है उससे उसके जर्म्स चले गए। एक पर्सन मलेरिया से पीड़ित है, जब क्या किया सेम मॉस्किटो ने मलेरिया वाले पर्सन को बाइट किया फिर हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो मलेरियल जो जर्म्स हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी चले गए, अब उसको भी मलेरिया होगा। ठीक है, तो ये बीमारियाँ ऐसे फैलती है एंड मेक हिम और हर सिक। सिमिलरली एडीज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू एंड रैट फ्लीज स्प्रेड प्लेग। ठीक है, तो क्या करते हैं जो मॉस्किटो, क्या कौन सी बीमारी होती है, हिंदी में इसको डेंगू बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डेंगे बोलते हैं। ठीक है, रैट कौन सी बीमारी फैलाता है, प्लेग, रैट की बाइट से प्लेग होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, थ्रो डैमेज्ड स्किन। क्या है, आर स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग एंड प्रिवेंटिंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म। तो स्किन क्या है, एक लेयर है, ठीक है, हमारी बॉडी की कवरिंग है। स्किन क्या करती है, जर्म्स को एंटर करने से रोकती है। लेकिन जब हमारी स्किन ही क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो जर्म्स क्या है इजीली एंटर कर सकते हैं अंदर और क्या है हमें कॉज डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जैसे जर्म्स ऑफ टेटनस एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। तो क्या है, जो टेटनस की बीमारी कैसे होती है, थ्रू द कट्स इन द स्किन। ठीक है, तो ये थे कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कैसे कैसे फैलती है, फाइव वेज हमने पढ़े हैं जिससे ये बीमारी होती है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज दिए हैं वो करते हैं। तो क्या दिया है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया कौन सी बीमारी थी, एनीमिया बोलते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है, तो ये किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्या दिया है, डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें अच्छे से नहीं दिखता, तो इसका आंसर कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस। थर्ड क्या है, चिकन पॉक्स रिंगवॉर्म एंड मेजल्स स्प्रेड थ्रो, अभी हमने पढ़ा है ये, देखो ऊपर, ये किससे फैलता है, थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये था आज हमने पढ़ा डिजीजेस के बारे में, कौन कौन से डिजीज कैसे फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।